चटपटी तीखी मजेदार लहसुन की सूखी चटनी। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी लगती है ये और आपके नाश्ते से लेकर खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा ये बढ़ा देती है, 100% बढ़ा देगी, यानी कि कई गुना ये बढ़ा देगी और आप इसको 6 महीने तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए देखते हैं कैसे आप बना सकते हैं लहसुन की चटनी। फ्रेंड्स इस चटनी को आप लहसुन लाल मिर्च की चटनी भी बोल सकते हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट्स मैं दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले सूखा नारियल ले लें, 1/4 कप सूखा नारियल है जिसको घिसकर लिया है। 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद तिल लेना है। लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमें लेना है साबुत धनिया। इसके अलावा 10 से 15 सूखी लाल मिर्चें लेंगे जिसकी स्टेम को मैंने रिमूव कर दिया, यानी कि डंठल को मैंने हटा दिया। और ये है 1/4 कप के करीब मूँगफली। तो ये मैंने मूंगफली भुनी हुई ली है, यानी कि मूंगफली को भून कर ले लिया है। आप चाहे तो कच्ची मूंगफली से भी चटनी बना सकते हैं। तो सबसे पहले कोई पैन या कढ़ाई ले लें और उसमें डालें मूंगफली। तो अगर आपने कच्ची मूंगफली ली है तो 1 से 2 चम्मच तेल डालकर इसको हमें धीमी आंच पर इस तरह से भूनना है। कब तक भूनेंगे? जब तक कि मूंगफली में कलर चेंज नहीं हो जाता और मूंगफली अच्छे से भुन नहीं जाती, एकदम क्रिस्प नहीं हो जाती। तो मूंगफली जब भुन जाएगी उसके बाद में यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद तिल। तो मुझे आपको झटपट से दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ पर भुनी हुई मूंगफली ले ली ताकि झटपट से मैं दिखा पाऊँ आपको। और तिल डालने के बाद में तुरंत ही आप इसमें साबुत धनिया डाल दें। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब धनिया डाल सकते हैं। सूखा नारियल भी मैंने डाल दिया घिसकर। इसकी जगह आप चाहे तो पानी वाला जो नारियल होता है उसको भी घिसकर ले सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को लो मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे। लो फ्लेम पर या लो मीडियम फ्लेम पर भूने, नारियल बहुत जल्दी जल जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान रखें आप कि नारियल जलने ना पाए, इसलिए धीमी आंच पर इसको भूनना बहुत जरूरी है। लहसुन भी आप चाहें तो साथ में ही आप इसमें भून सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर लहसुन को भूना नहीं है, मैंने इसको कच्चा ही ऐड किया है। तो सारे इन इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही इनमें से खुशबू आने लगेगी हल्की हल्की, वैसे हम गैस को ऑफ करके और उसके बाद में सारे इंग्रेडिएंट्स को ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में हम इसमें मिक्सी के जार में डालकर इनको और उसके बाद में पल्स करते हुए पीस लेंगे। तो ये देखिए सूखी लाल मिर्चें और ये भी हमने डाल दी है। इनमें भी हल्का मॉइस्चर होता है तो पीसने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमें इसको हल्का सा इस तरह से रोस्ट करना ज़रूरी है ताकि इनके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए और इनको पीसना बिल्कुल आसान हो जाए। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से हमने भून लिया है, बस इतना ही हम भूनेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को भून लिया। गैस को ऑफ कर देंगे, इन सभी चीज़ों को ठंडा कर लेते हैं और मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में हम इन्हें पल्स करते हुए पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप कहीं ना जाएं, बहुत अच्छी टिप्स मैं देने वाली हूँ और काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो अभी और जाएंगी और तभी हमारा ये मसाला तैयार होगा। आप इसको वड़ा पाव की चटनी भी बोल सकते हैं, लहसुन लाल मिर्च की चटनी भी बोल सकते हैं और लहसुन की चटनी भी बोले, जो भी है टेस्ट इसका बहुत ही बेमिसाल है, कमाल है। तो देखिए 1/4 कप मैंने इसमें डाल दी लहसुन, छिली हुई लहसुन की कलियां मैंने डाल दी। लहसुन की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, जो लोग लहसुन नहीं खाते वो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पल्स करते हुए इसको दरदरा पीस लिया। तो पीसने के बाद में अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कलर नहीं आया है, साथ ही टेक्सचर भी नहीं है, नमक भी नहीं डाला है हमने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब आप इसमें नमक डाल दें, चटनी है तो नमक अच्छी क्वांटिटी में जाता है। तो लगभग 3 चम्मच मैंने नमक डाला है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी इतनी क्वांटिटी के लिए आप लगभग 4 चम्मच के करीब नमक डालें। और 2 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे खटास के लिए अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और देखिए हमारी चटनी को कलर देने के लिए हमें इसमें कश्मीरी मिर्च डालना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब डाली है कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो कि ऑलरेडी तीखी नहीं होती है लेकिन बहुत अच्छा कलर देगी। तो देखिए ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर हम इसको पल्स करते हुए वापस से पीस लेंगे। ये पाउडर थोड़ा महीन हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा दरदरा रहेगा, तभी इसका टेक्सचर निकल कर आता है, टेस्ट निकल कर आता है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से मिक्स कर लें और पीस लीजिए। तो देखिए चटनी को यहाँ पर हमने पीस लिया है फ्रेंड्स, हमें कुछ भी नहीं करना है, ये हमारी लहसुन लाल मिर्च की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको वड़ा पाव में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इडली के साथ खा सकते हैं, डोसे के ऊपर डाल के खाइए, आप इसको रोटी दाल चावल किसी के साथ भी खाइए फ्रेंड्स, सच में बहुत ही बढ़िया है।
और मैं तो इस चटनी को स्टोर करके रख लेती हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ लहसुन लाल मिर्च की चटनी की रेसिपी दी है, जो कि मैंने आपके साथ बिना तिल के शेयर की थी। इसके अलावा काफ़ी सारे और इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, तो इससे हमारी चटनी का टेस्ट और भी ज़्यादा सुपर हो गया है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग बनी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आया था कि उनको बिल्कुल खिली खिली नहीं मिली, तो उसके लिए मैंने आपको ये रेसिपी दी है। आप बनाकर देखें, आपकी चटनी बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग और एकदम बिल्कुल सूखी बनेगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो बनाकर आप इसको रख लीजिए और स्टोर कर सकते हैं आप इसको आराम से 6 महीने तक। आप इसको बाहर ही स्टोर करें, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बाहर रखकर स्टोर करके इसको यूज़ कीजिए। तो बनाकर देखिए मेरी ये वड़ा पाव की चटनी की रेसिपी कैसी लगी, रेसिपी लिखकर ज़रूर बताएं। लहसुन लाल मिर्च की चटनी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, लहसुन की चटनी बनाने का तरीका बहुत अलग है, बनाकर देखिए गार्लिक चटनी। और अच्छी लगी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद यू न्यू रेसिपी। बाय बाय, लव यू।